नमस्कार, आप देख रहे हैं KLIVE 24। मैं हूं कौशल कुमार, विश्व मौर्य परिषद राष्ट्रीय प्रवक्ता, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। साथियों, जैसे कि पहले भी कुछ वीडियो में बताया गया है कि परिवर्तन प्राकृति का नियम है। जिस प्रकार से रूपरेखा कुछ बनाई गई जिसमें परिवर्तन किया गया है, लगातार विश्व मौर्य परिषद संगठन जो कार्य कर रहा है, बेहतर कार्य कर रहा है और आने वाले समय के लिए भी बेहतर कार्य करेगा और करता रहेगा। हमेशा ये संगठन हमेशा समाज के न्याय के प्रति, हमेशा समाज में एक सामंजस्य, एकता और ये सत्यता और पवित्रता का प्रतीक है। साथियों, मैं आप सभी को एक सौगात दे रहा हूँ कि जो भी विश्व मौर्य परिषद संगठन में जुड़ेगा, जो भी पीछे बताई गई वीडियो में प्रतिक्रियाएँ हैं उनके अनुसार कुछ और सौगात साथ साथ में है कि संगठन में जुड़े हुए सम्मानित सदस्यगण व साथीगण या व पदाधिकारीगण, जितने भी हमारे सदस्य हैं, जो भी बेरोजगार हैं, जो रोजगार जिनके पास नहीं है, जो कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी सौगात है। और साथ साथ में हमारे पास जो संगठन में जुड़ेंगे वो फील्ड का वर्क करना चाहेंगे तो फील्ड वर्क भी उनके लिए अवेलेबल है। अगर सिटिंग जॉब करना चाहते तो वो भी है। सिटिंग जॉब अर्थात एक CSC का माध्यम, जो खुद डायरेक्ट मैं लाइसेंस देता हूँ लोगों को, रिटेलर ID जिसको कहा जाता है। और बहुत सारे लोग वीडियो में वॉइस को सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है ये सब CSC, रिटेलर ID। कन्फ्यूज ना हो, वो सब नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर संपर्क करिए, आपको पूरी पूरी जानकारी मिलेगी उस पर। और साथ साथ में अगर जो बंदे फील्ड वर्क करना चाहते हैं, जो भी साथीगण अपने हैं, तो उनके लिए फील्ड वर्क है। जो सैलरी बेस पे काम करना चाहते हैं तो सैलरी भी है, और अदरवाइज़ कोई इंसेंटिव पे काम करना चाहता है, इंसेंटिव है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे भी काम करना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो भी संगठन में बहुत साथीगण हैं जो अभी अपना पढ़ाई का समय उनका है, जो तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए पार्ट टाइम अवेलेबल है जॉब। अदरवाइज़ होम टाउन में ही काम कर सकते हैं, UP लेवल पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बंदा अगर है तो बिल्कुल जो है, ये ज़रूरी नहीं कि लखनऊ आना है या आपको हेड ऑफिस हरदोई जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं अपने होम टाउन, बशर्ते आपको इंटरव्यू देने के लिए लखनऊ या हरदोई जनपद जाना ही पड़ेगा। हरदोई में एक जगह संडीला पड़ती है, वहाँ तक आपको जाना होगा। और नियर अबाउट जो भी वहाँ पर लैंडमार्क है आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल बात यह है, ज़्यादा जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ जो रह जाती हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय भारत।